पूरी दुनिया में लगभग 196 कंट्रीज है, और ताज्जुब की बात यह है कि किसी भी देश के फ्लैग पर पर्पल यानी बैंगनी कलर नहीं है। इतिहास में आज तक जितने भी राज्यकर्ता या सिविलाइजेशन स्थापन हुई है उनमें से किसी के भी फ्लैग पर या चिन्ह पर पर्पल कलर नहीं है। पर्पल एक बहुत लोकप्रिय कलर है, लेकिन उस समय इस कलर का इस्तेमाल क्यों नहीं होता था, आज मैं आपको इस वीडियो में फैक्ट्स बताऊंगा। कलर यूज ना होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था इसकी कीमत। उस समय में इस कलर को गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यू थी, इसलिए ये कलर रॉयल्टी का सिंबल बन चुका था। क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने तो इस कलर को आम जनता को पहनने से बैन कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ खानदानी लोग ही इसे पहन सकते थे। कलर महंगा होने का कारण था इसकी रेयरिटी, और बनाने की तकनीक बहुत मुश्किल थी। इसे बनाने की तकनीक लेबानॉन नाम के देश में शुरू हुई थी। इसे बनाने के लिए पर्पल कलर के समुद्री घोंघों की जरूरत पड़ती थी, और ये घोंघे उसी इलाके में मिलते थे। 1 ग्राम कलर के लिए 10,000 घोंघों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए सिर्फ अमीर लोग ही इसे ले पाते थे। कभी कभी तो उनकी भी फट जाती थी, वो भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। 3री सदी के रोमन एम्परर इस कलर से बनी हुई शॉल अपनी पत्नी को गिफ्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी कीमत उनके पत्नी का वजन का 3 गुना सोना उतनी उस शॉल की कीमत थी। 1 पाउंड के लिए 3 पाउंड सोना पे करना पड़ता था। उसकी कीमत आज लगभग 36 लाख रुपीस है। पर्पल कलर के शेयर्स बहुत बढ़ रहे थे कि तभी 1856 में 18 साल के विलियम हेनरी पेरकिन, जो एक केमिस्ट थे, वो क्यूनिन नाम के मलेरिया ठीक करने वाली दवा पर काम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक्सीडेंटली पर्पल कलर का निर्माण कर दिया और अपने नाम पर पेटेंट लिखवा लिया और बहुत सारे पैसे कमाए। तब से पर्पल का प्रोडक्शन भारी मात्रा में होना शुरू हो गया और वो डिवैल्यूएट होता चला गया। 90s के बाद जो देश तैयार हुए हैं उनके फ्लैग्स पर कहीं कहीं तो थोड़ा सा देखने को मिल जाता है आजकल पर्पल। तो ये सारे थे पर्पल से जुड़े हुए फैक्ट्स। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।